तो चलिए रुख करते हैं बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसलिंग की बैठक में पीएम मोदी ने गोधन न्याय योजना का जिक्र किया है। तो ये बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने गोधन न्याय योजना का जिक्र किया। बता दें आज नीति आयोग की बैठक थी, पीएम मोदी के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो थे इस बैठक में शामिल हुए थे। इस बीच पीएम ने गोधन न्याय योजना का जिक्र किया है। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको दिल्ली से बता रहे हैं, पीएम मोदी ने गोधन न्याय योजना का जिक्र किया है। तो गोबर से बना वर्मी कंपोस्ट उत्पादकता बढ़ाने का सहायक है, पीएम मोदी का बयान सामने आया। तो गोधन न्याय योजना किसानों के हित में है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से है, नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने गोधन न्याय योजना का जिक्र करते हुए इसकी सराहना की है। तो पीएम मोदी ने गोधन न्याय योजना का जिक्र किया है, दिल्ली से बड़ी खबर आपको इस समय बता रहे हैं। आज नीति आयोग की बैठक थी जिसमें पीएम के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। तो गोबर से बना वर्मी कंपोस्ट गोधन न्याय योजना किसानों के हित में है, पीएम मोदी का इसको लेकर बयान भी सामने आया। तो दिल्ली से आपको यह समय बड़ी खबर बता रहे हैं। मेरे सहयोगी प्रशांत देव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत देव, आज नीति आयोग की बड़ी बैठक थी जिसमें पीएम के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इसी बीच पीएम मोदी ने गोधन न्याय योजना की तारीफ करते हुए क्या कुछ कहा? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और इसमें प्रधानमंत्री ने जब इसकी अध्यक्षता की तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर, जहां जहां यूनियन टेरिटरी उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर इसमें शामिल हुए, दिल्ली के, जम्मू कश्मीर के, और जो भी ये योजनाएं हैं उसको कैसे राज्यों में क्रियान्वित किया जाए इसके बारे में चर्चा हुई है। चाहे वो नई शिक्षा नीति की हो या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड नीतियां हो, दाल की खेती को, दलहन की कैसे प्रमोट किया जाए, इन तमाम बातों पे चर्चा हुई और सभी राज्य इसको कैसे लागू करें, कैसे इसको आगे बढ़ाएं, इस पर प्रधानमंत्री ने ज्यादा जोर देते हुए बात की और आज शाम को इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हमें तमाम जानकारी देने के लिए।